गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, मस्त? मैं भी मस्त। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या शुरुआत करें? डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन। तुमने बोलो यार सर, ये तो ऑलरेडी जितेंद्र सर ने पढ़ा रखा है और फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? उन्होंने बताया तो फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे। कोई बात नहीं, रीज़न देखो, रीज़न क्या है? रीज़न ये है पढ़ाने का बच्चों, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है, सेम ही है जो सर ने पढ़ाई हुई है। लेकिन फिजिक्स में जो यूज करूँगा बेसिकली, तो वो बेसिकली पढ़ाया क्यों सर ने, मैथ वाले सर पढ़ाए क्यों, ताकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या होने वाली है, जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में कि यू अपन वी के फॉर्म में अगर आपका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या करते हो, क्या करते हो इसका बताओ, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू में न्यूमरेटर का अपॉन में वी स्क्वायर, या सर ने ऐसे लिखवाया था समथिंग आई थिंक ऐसे कुछ करके डी यू अपॉन डी वाई इंटू वी, तो ये इनका रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन मेरे को मैंने इस फॉर्मेट में मैंने याद ही किया, ये यू वी के फॉर्मेट सर ने जो पढ़ाया मैंने वीडियो देखा। मैं ऐसे करता हूँ कि अगर दो फंक्शन हो और वो आपके डिवाइड के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्सपोनेंशियल, लॉग या ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी हो सकता है। लाइक मान लो कि मैं ऊपर ले लूँ e के पावर x ले लूँ एक्सपोनेंशियल, नीचे ले लूँ मैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन, या कुछ भी ले सकता हूँ डिवाइड के फॉर्म में। अब मैं बोलूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करना डी अपॉन डी एक्स, तब क्या इसका फॉर्मेट होगा? तो अब क्या देख रहे हो, कॉन्सेप्ट सेम है, वही लगने वाला, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए क्या था, एक सरसरी निकाल अपन देख लेते कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ और कैसे, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक ना। और सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, जो आपने फॉर्मूला आपने रेडी किया, जो भी तैयार किया, फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब सही है। बस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं अपने वे से, ठीक है ना, ताकि कल को मैं जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ बीच में यूज करूँ तो तुम लोग बोलोगे सर मैंने तो यू वी फॉर्म में याद किया और एफ वन एक्स एफ टू एक्स के फॉर्म में बता रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से। हल्का सा मैं फिर से मतलब आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं अपने वे से, ठीक है ना, सबका अपना अपना अलग वे है। चलो बच्चों, थोड़ा सा फास्ट अपन देखेंगे, एक घंटे के अंदर लगभग मोस्टली चीज़ें अपन देख लें कि मतलब आपके कवर हो जा रही नहीं, एक घंटे के अंदर मैं देखना चाहूँ, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। देखो बच्चों क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है डिफरेंशिएशन, ये है कि एक क्वांटिटी का दूसरे के साथ कैसा वेरिएबल, या ऐसे बोलूं कि एक वेरिएबल का दूसरे, या एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ कैसे वेरी करेगी। सपोज करो जैसे मान लो कि ये क्या है, ट्रैक है, रास्ता है, और यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लिया, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ये रेफरेंस लिया, और ये आदमी क्या रहा है, चल रहा है इधर, और मैं चलने का मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, टाइम अगर आपने टाइम स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया, जैसे टाइम बढ़ेगा ये क्या होगा, और आगे जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो मैंने मान लिया चलो यार इसका जो डिस्टेंस है एक्स है, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अभी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो टाइम के साथ स्टॉपवॉच मान लो कि 10 मिनट पे रहा, 15 मिनट पे शायद यहाँ रहे, 20 मिनट पे यहाँ पे रहे, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्या ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड है, टाइम पे, ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड है, टाइम पे। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसको मैथ की भाषा में बोलते हैं कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। मैथ की भाषा में ये बोलते हैं इसको कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है किस पे डिपेंड है, टाइम पे। क्या मैं बोलूँ कि रूम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इसका डिस्टेंस, भाई रूम का टेम्परेचर 25 करो, 30 करो, 40 करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम के साथ करेगा। तो किसका फंक्शन है, टाइम का। तो अगर कहीं भी आ रहा है, जैसे मैं लिखूँ कि वाई, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कि वाई इक्व टू एफ ऑफ एक्स, इसे बोलते हैं, एफ का मतलब होता है फंक्शन, मैथ में आगे पढ़ोगे तुम लोग फंक्शन, ठीक है। वाई इक्व टू एफ ऑफ एक्स मतलब जो वाई है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अगर आपका x वेरी करेगा तो आपका y क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे एग्जाम्पल पे बोलूं कि y इक्व टू 2x + 3, ये किसका इक्वेशन है बच्चों, किसका इक्वेशन है, लाइन का। तो ये इसमें y को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x, हाँ लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि जो y है x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x वैल्यू 2 रखोगे तो 7 तो इसका आंसर हो जाएगा 7, x वैल्यू 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, x वैल्यू 5 रखोगे तो y वैल्यू 13 हो जाएगी। ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ एक्स। तो आई थिंक ये पूरी कहानी बताने का रीजन ये था कि आप समझो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हो गया। अब देखो
अब देखो डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि एक वेरिएबल, अब इसमें कितने वेरिएबल, एक्स और टी दो वेरिएबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और टाइम है, टाइम है। अब एक्स ये बता, डिफरेंशिएशन ये बताता है कि जो आपका एक वेरिएबल है वो किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं ये बोलूँ कि जो मेरा एक्स है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा एक्स है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन की भाषा में लिखते हैं डी, डी अपन ऐसे लिखेंगे कि जो एक्स है वो टाइम के साथ, तो लिखते हैं डी अपन डी टी, क्या लिखेंगे डी अपन डी टी, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक्स जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो डी अपन डी टी इंटू एक्स, या इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, डी एक्स अपन क्या डी टी। तो ये हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि जो एक्स है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, या रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, बात समझ में आई, ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रही है, ये मेरा क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो ये इस फॉर्मेट में होगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखना समझना, यहाँ पे कि मैं बोलूँ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये मतलब क्या हुआ। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, ये y जो है x पर डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में मैटर करता है, तो ये जो y है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, तो किसके साथ भी वायरी, y किसके साथ वायरी कर रहा है, x के साथ, तो उसी के साथ जिसके साथ वायरी करे लगा दो तो dy वाई पर डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि y, देखो इसको लिखते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो कि y जो है x के साथ कैसे वायरी कर रहा है, dx जिसमें dx लग गया वो तुम्हारा क्या करेगा, वो बताएगा कि कैसे वेरी कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स इंटू में क्या वाई, तो ये क्या है कि वाई जो है कैसे कर रहा है, वेरी कर रहा है एक्स के साथ। ये इतनी बात हो गई, फटाक से आगे बढ़ते हम लोग। बच्चों ऑलरेडी पढ़ रखे हो, सामने पढ़ा रखा है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना, सब कुछ सेम है, बस समझ लो कि आपका रिवाइज ही समझ लो, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। चलिए तो बच्चों आपने सीख लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब कोई दिक्कत है, मतलब y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब x कैसे वेरी करेगा, मतलब x को वेरी कराओगे तो y वेरी करेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन जब भी करोगे, जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि d d अपॉन डी एक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ, तो कौन वेरी कर रहा है, y कर रहा है, तो लिख देंगे d अपॉन डी एक्स इंटू में y, या इसी को मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन में क्या डी एक्स। अच्छा मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू क्या है एफ एक्स, तो डाल दो। अब देखो बच्चों कि ये मैं अब बोल सकता हूँ यहाँ से आगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो गया डी अपॉन डी एक्स इंटू में क्या है एफ एक्स। इसी को बच्चों कभी कभी हम लिखते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, कहीं पे भी एफ डैश मतलब डैश आ गया, उसका मतलब क्या डिफरेंशिएशन हो गया, उसका मतलब एफ डैश, जैसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या वाई डैश में लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि जे डैश मतलब क्या हुआ डी जेड अपॉन में डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन है, वो एक्स के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जेड किसका फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं एक और टर्म, डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं आएगा ये मैथ में अक्सर फिजिक्स में आएगा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्या हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है बच्चों। हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज कैसे कर रहा है रेट के टाइम, मतलब ये डिफरेंशिएशन को हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ये डी वाई अपन डी एक्स है, तो ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका एक्स हो गया। तो ये बात होगी बच्चों डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि वाई इक्वल टू है आपका एफ ऑफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बता रहा है कि वाई जो है वेरी कर रहा है, वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये बता रहा है कि वेरी कर रहा है वेरिएशन ऑफ वाई किसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बहुत जरूरी है जानना। अब देखो मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कि क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ
हाँ बच्चों, तो हम लोग कहाँ पे थे? वेरिएशन ऑफ वाई बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि इसी को डिफरेंशिएशन ऑफ, इसी को बोलेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ y, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x में। बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी जानना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये बहुत जरूरी। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बता दो dy वाई अपन dt क्या होगा, इसका dy अपन dt क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि y का वेरी कर रहा है t के साथ, मतलब मैं बोलूँ टाइम क्या है, टी क्या पे टाइम है, तो y वेरी कर रहा है टाइम t के साथ। क्या टाइम के साथ वेरी करेगा? नहीं। क्या टाइम सर वेरी करेगा? नहीं, ये तो वेरी कर एक्स के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है कि ये जानना कि जब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हमें ये पता होना चाहिए। मान लो कि वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके साथ? टाइम के साथ यहाँ पे, लेकिन वाई डिपेंड किसके साथ कर रहे हो? एक्स के साथ। तो वेरिएशन हुआ ना, डिफरेंशिएशन मतलब वेरिएशन, ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो वेरी किसके साथ करेगा? एक्स पे। अगर यहाँ पे टाइम के साथ करोगे तो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात होगी, इसका मतलब आपका जानना, मीनिंग जब समझोगे तो आप इसको बता दोगे डी वाई डीटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। चलो और आपको अच्छे समझाते हैं कि डी वाई अपन की वेरिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ। देखो इसको और अच्छे समझो। देखो कि मान लो कि मैं ले लूँ कि ये हो गया आपका y हो गया और ये हो गया आपका x, और मैंने एक लाइन ले लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या है इसका 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है आपका 6 है। मतलब 2 पे 2 आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 पे क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, ठीक है? 6 पे 6 आ रहा है। अब देखो क्या है यहाँ पे डीवाई पर dx कैसे डिफाइन करेंगे। क्या मेरा जब x मेरा चेंज हो रहा है तो क्या मेरा y चेंज हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। क्योंकि देखो आपने आप यहाँ पे x पे इतना आपकी y की वैल्यू है, एक्स जैसे बड़े आप तो x पे आपकी वैल्यू y है, यहाँ और बड़े आप आगे यहाँ पे आपकी y की वैल्यू है। तो ये देखो ना लेंथ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? जब आप x चल लो, यानी कि x जब बढ़ रहा है तो x में चेंजिंग हो रहा है, तो किस में? y में चेंजिंग हो रहा है। तो ये जो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो क्या यहाँ पे जो हमने एक मीनिंग इसका निकाला था कि dy by dx मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ हो रहा है, यहाँ पे y वेरी कर रहा है x के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ डिफाइन है यहाँ पे dy by dx, हाँ डिफाइन है dy by dx, यहाँ पे क्या है dy by dx आपका क्या है? डिफाइन है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कभी कभी आता है कि dy by dx आपका कांस्टेंट है या क्या है, तो आप देखने यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 है, 4 है तो 4 है, यानी कि आप यहाँ से 2 से 4 जाने पे कितना का इंक्रीमेंट है 2 का, तो यहाँ से 2 से y में कितना हुआ, y में अगर x में 2 से 4 जा रहे हो तो x में कितना इंक्रीमेंट किया 2 का, तो y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का, 4 से 6 गए तो 2 का इंक्रीमेंट, 4 से 6 गए तो 2 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे यानी कि जो चेंजिंग है क्या आपका सेम है, सेम है। और dy by dx का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि चेंज इसका जो वेरिएशन क्या है सेम है यहाँ पे, तो हम लोग बोले dy by dx क्या है तो कांस्टेंट है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा एक और चीज बताना हमको, ठीक है, जिससे मैं बोलूँ कि y = क्या आपका 2x / 2, y = क्या आपका 2x / 2, 2x + 2 आपने पढ़ रखा डिफरेंशिएशन सर ने पढ़ाया। तो अगर मैं यहाँ से dy / dx निकालूँ, dy / dx निकालूँ आपका, तो यहाँ से क्या आएगा आपको बच्चों? क्या आएगा आपका 2 आएगा। अच्छा dy / dx 2 आ गया, अब हमें बता दो y = mx + c से कंपेयर करके कि यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, mx + c से 2 आएगा mx। तो तुम क्या देख रहे हो कि अरे भाई ये तो dy / dx और m की वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या यार कि ये dy / dx किसी लाइन के लिए कहीं ना कहीं स्लोप है? बोल सकते हैं। तो याद रख लो, एक नई चीज सीख लो, मैं डायरेक्ट नहीं बताया कि जो dy by dx है किसी भी लाइन के लिए क्या है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बातों बातों में हमने क्या सीख लिया कि dy by dx का एक तो मीनिंग ये हुआ कि y वेरी कर रहा है x के साथ, ये रेस्पेक्टली बहुत जरूरी बच्चों। ये देखो इसको लिख सकते हो आप dy by dx ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत जरूरी है कि y वेरी कर रहा है किसके साथ? x के साथ। क्या मैं अगर मैं कंडीशन में मानूं कि y = fx तब होगा, अगर मैं इसी को dt कर दूं कि d अपॉन dt ऑफ y तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि मैं अभी इसको एक्सप्लेन किया हूं कि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो मैं जो भी वेरिएशन देखूंगा वो किसके साथ देखूंगा? x के साथ। टाइम के साथ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो टाइम के साथ क्या होगा? जीरो हो गया। तो नई बात हमने सीख ली है क्या कि जो dy by dx होता है बच्चों वो क्या होता है आपका? किसी भी लाइन का क्या होता है? स्लोप आता होता है। चलो तो लिख लेते हैं इसको हम लोग,
कि डी वाई बाई डी एक्स इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, प्रूफ के लिए देख सकते हो कि y कोस टू क्या आपका 2x प्लस 2 मान लो है। अगर y कोस टू mx प्लस c से कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, और यहीं से y कोस 2x प्लस 2 है आपका, और dy अपन dx निकालते हो तो ये भी क्या आ गया 2 आ गया, देख लो बराबर है। ठीक है ना, एक चीज़ हम लोगों ने ये सीख लिया ये भी ज़रूरी है। अब देखो फिजिक्स में क्या आपका यूज होता है, सबसे दो चीज़ हम लोग सीख लिया, dy by dx का मतलब होता है कि y वेरी कर रहा है किसके साथ, x के साथ। अगर dy अपॉन dt आ गया तो इसका मतलब हो गया कि y कैसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि dy by dx क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइन के। अब देखो एक और बहुत बड़ी चीज होती है फिजिक्स में बार बार यूज होगा कि जो सर आपने बता दिया कि किसी भी लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है dy by dx, क्या हम लोग किसी कर्व का अगर हम लोग देखें तो dy by dx का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो वो देखते हैं। अब कर्व के रेस्पेक्ट में बता रहे, कर्व के रेस्पेक्ट में समझो चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बोलूं कि x और t के बीच मैंने कर्व ले लिया, कुछ भी कर्व ले लो, लाइक ऐसे ले लिया कर्व, ठीक है, मैंने ऐसे कर्व ले लिया, तो अब देखो कि अगर और मैंने नाम दे दिया, देखो बच्चों y कोस टू x, इसका मतलब तुम लोग समझ गए। अभी मैंने बताया कि y जो है डिपेंड कर रहा है x पे, मतलब x में जो वेरिएशन होगा वो उस पर फर्क पड़ेगा y पे। अब देखो जैसे मान लो कि ये कुछ भी ले लिया मैंने, इसका ले लिया मैंने कि y कोस टू x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, इसका इक्वेशन हो गया कर्व का। अब हमें समझना है कि dy by dx किसको रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कर्व के लिए, मतलब dy by dx का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के तो हो गया। पहली बात ये समझो बच्चों कि dy by dx किसी भी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा, किसी भी पॉइंट पे डिफाइन होगा, ठीक है ना। जैसे मैं मिटा दे रहा हूँ चीज़, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो किसी भी कर्व की जब भी बात बोलेगा तो बताएगा कि dy upon dx भाई साहब हमें a पे बताइए, ऐसे रहेगा, या कोऑर्डिनेट कुछ भी देगा, या कुछ ऐसे भी हो सकता है, मान लो मैं ले लूँ ऐसे थोड़ा सा कर्व को डालते हैं, ये एक पॉइंट ले लिया, b ले लिया मैंने यहाँ पे, तो बोलेगा dy upon dx upon b, मतलब एक पॉइंट b पे। तो ये चीज़ सीख लो कि dy by dx किसी भी कर्व के लिए क्या होगा, पॉइंट पे बताएगा, डिफाइन होगा, ठीक है ना, किसी भी एक मतलब इस एक पोर्शन के लिए डिफाइन नहीं होगा। अब बताते क्यों होता है, तो dy by dx अगर उस पॉइंट ए पे क्या करो, आप एक उससे टच करता हुआ क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, टच करता हुआ, कट नहीं करना चाहिए कर्व को, थोड़ा सा अच्छे से बना देता अपन कर्व को, ठीक है बच्चों, ये वाला ए है और ये वाला क्या आपका बी है। तो अगर ए पे पूछा dy by dx एट पॉइंट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करो ए पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो ए से टच करता हुआ। बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो आपने हो सकता हो कि सर ने कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया, तो टेंजेंट एक वर्ड सीख लिया, टेंजेंट कुछ नहीं है, सिंपल से मतलब टी से क्या होता है, टच करता हुआ, टच करता किसी पॉइंट पे एक लाइन, डैश इट, खत्म कहानी। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल है और बोले कि यहाँ पे ए पॉइंट है, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये वाले पॉइंट पे टच करता हुआ बना दो, अगर उसे कट कर दिया सर्कल को तो टेंजेंट नहीं रहेगा। तो आप सीख लो टेंजेंट कुछ होता है। अब देखो आखिर मैंने टेंजेंट बताने का मतलब क्या हुआ, आखिर टेंजेंट क्यों मैंने बताया, तो बस हो गया काम आपका, ये लाइन है। अभी तुमने सीखा था कि dy by dx क्या है, किसी भी लाइन का स्लोप है, ठीक है ना। तो हमें इसीलिए मतलब हमें dy by dx के लिए हमें एक लाइन पता होना चाहिए। अब हमें क्या हुआ कि इसीलिए जब कर्व पे बोला कि dy by dx एट पॉइंट कर्व ए पे, हमें आप dy by dx बताइए, कर्व के किसी पॉइंट ए पे dy by dx का मतलब बताइए, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि एक लाइन टच करता हुआ ए को, ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए से टच करता हुआ, नहीं। अब हम लोग इसी को बोलेंगे मैथ की भाषा में टेंजेंट, इसको बोलेंगे कि आप जहां पे पूछ रहा है, लाइक समझो कि डी वाई डी एक्स एट पॉइंट बी पे पूछ रहा है, तो बी पे ड्रॉ करो टेंजेंट, ऐसे टच करता हुआ, खत्म, एक लाइन, बढ़ा भी सकते हो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मतलब क्या, इस टेंजेंट का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस कर्व का उस पॉइंट ए पे dy dx, ठीक है ना। तो फर्क यह है कि किसी भी कर्व के लिए अगर dy by dx पूछ रहा है उस पॉइंट ए पे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी पॉइंट में डिफाइन होता है, किसी पॉइंट में बताएगा पर्टिकुलर कि dy by dx एट x इक्वल्स टू 2, dy by dx एट टाइम t इक्वल्स टू इतना समथिंग मेंशन करेगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी पॉइंट ए पे, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी कर्व के लिए होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट,
एट दैट पॉइंट, जैसे यहां पे एट दैट पॉइंट ए है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि टेंजेंट पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसका जो स्लोप होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, उस डी वाई बाई डी एक्स को बताएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट बी का मतलब ये हुआ कि बी पे आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और इसका जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट बी पे। क्या फास्ट हो रहा है क्या? नहीं मिटा तो उसमें नहीं। अच्छा बच्चों आपसे मेरा सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपने बता दिया इसको तो समझ लो आपका काम हो गया, सीख गए आप। ये आपका y है और ये आपका x है और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, कुछ भी लाइन हो सकता है। आप बता दो इसका डी ओबीडी एक्स क्या होगा। मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके जानना जरूरी है। डी ओबीडी एक्स देखना किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। पहले मैं बता दूं मैंने क्या क्या समझाया और उसी को लेकर मैं समझा देता हूं। डी वाई डी एक्स मतलब ये हुआ देखो कि अगर वाई एक्स का फंक्शन हो, ये जरूरी है, मतलब वाई अगर एक्स के साथ एक्स पे डिपेंड करता हो तभी डी वाई डी एक्स डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई वेरिएशन ऑफ वाई, मैं ऐसे बोल दे रहा कि वेरिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने ऑलरेडी लिख चुका वो हो गया। दूसरा भी हमने सीखा किसी भी लाइन के लिए, क्या लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। पहले तो इस मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कि y का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर तुम बताओ कि अगर मैं इधर x के साथ में बढ़ रहा हूं, इधर जाऊंगा तो मेरा x बढ़ेगा। आप कहीं ले लो, मान लो कि यहां पे x लिया तो y की वैल्यू क्या आपकी ये है, फिर आपने आगे बढ़ा तो y की वैल्यू ये है, फिर आपने इस तरह बढ़ा चला आगे y की वैल्यू ये, सपोज करो कि ये x की वैल्यू क्या है 2 है, ये क्या x की वैल्यू क्या है 4 है और यहां पे x की वैल्यू क्या है 6 है और ये डिस्टेंस क्या आपका, ये जो y की वैल्यू क्या 4 है। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की जो वैल्यू है 4 है, जब x की वैल्यू 4 थी y की वैल्यू क्या है 4 है, तो x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू क्या है 6 है। ऐसे भी देख सकते हो, लेंथ क्या है सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब कि भाई ये तो y x के साथ वेरी कर ही नहीं रहा है, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि वो कि इसका मतलब ये हुआ कि y का वेरिएशन x के साथ, अगर वेरिएशन हो ही नहीं रहा है तो मतलब क्या हो गया, डी वाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो, खत्म, मतलब नहीं हो रहा है। उसी को बोलो कि y का वेरिएशन x साथ नहीं हो रहा है तो मैथ की भाषा में क्या कर दो, जीरो। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। ये आपको मीनिंग के साथ हो गया उसका। अब समझाते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। अभी मैंने ये बताया कि कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप तुम्हें पता है, स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू l रिप्रेजेंट करते हो और वो क्या होता है tan थीटा। तो ये लाइन है और मैंने बताया था कि ये जो थीटा होता है ये होता है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो भाई ये तो x एक्सिस के पैरेलल है ना, या इसी पे कोई x एक्सिस ड्रॉ कर दो, वही x एक्सिस से वैसे एंगल क्या होगा, जीरो। जब थीटा आपका जीरो हो गया तो tan जीरो कितना होगा, जीरो, तो m की वैल्यू कितना हो गया, जीरो। और स्लोप भी मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन है डी वाई डी एक्स, तो यानी कि डी वाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। दोनों तरीके से आ गया। तो याद रखना है मेन पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लिख लेना जितना सीखे हैं उसमें से क्या है कि डी वाई डी एक्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मेरा वाई एक्स का फंक्शन या वाई मेरा एक्स पे डिपेंड करता हो तब मेरा डी वाई डी एक्स मतलब ये हुआ, ये जरूरी है, ये कंडीशन पता होनी चाहिए तभी, कि इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट कि इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन। तीसरा पॉइंट कर्व के लिए डिपेंड होगा, तो किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, सॉरी किसी भी कर्व पे जो स्लोप डी वाई डी एक्स होता है किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है और उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। ये तीन बातें मैंने सीख ली और इन तीनों बातों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये बात होगी डिफ्रेंशिएशन तक होगी अभी बातें। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब जो है सर ने कुछ फॉर्मूले बताए होंगे उससे मैं अपने वे में बता देता हूँ, ठीक है ना, अपने वे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डी वाई डी एक्स का मतलब मीनिंग क्या था, बस वो समझो, इतना जो तुम पढ़े ना डी वाई डी एक्स का मीनिंग समझो, सोच सकते हो कितना महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है ना। इतना पढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले देखो सब कुछ रहने वाले सेम, बस अपना वे अलग है, ठीक है ना। चलो बताते हैं, अलजेब्रा मतलब कोई भी एक्स पावर समथिंग में होगा वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया, अब जितने आपने एक साथ फॉर्मूला पढ़ा है तो मैंने इस तरह से याद किया तो ऐसे ही कर लेते, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा कि एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो कभी भी बोलेगा एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ मैथ के फॉर्म में एक्स के पावर एन और यहाँ पर लगा दोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बच्चों कि ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पार n माइनस वन। अब ये नहीं बताएं कैसे याद रखना है, तुम तो ऑलरेडी पढ़ रखे हो। यहाँ पे जरूरी है कि n जानना क्या है, n क्या आपका कांस्टेंट है, n क्या है कांस्टेंट, अगर नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो, लॉगरिथमिक का क्या होगा बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि ln x, ठीक है ना, ln x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन d अपन dx, डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगा बच्चों, वन अपन x। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बहुत जरूरी है कि जो भी x ln x है यानी कि ln के साथ है जो, उसे क्या करेंगे नीचे डाल देंगे वन अपन x, ठीक है ना। अब चलो सीखते हैं और इसका भी देख लेते हैं यहीं पे, या अभी छोड़ देते हैं, पहले एक एक को निपटाते हैं। तो ये लॉगरिथमिक देख लेते हैं, ठीक है ना, d by dx ln x equals to 1 upon x। अब सवाल ये आता है क्या सर हमने अगर इसे याद कर लिया तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा सा लॉजिक जानना पड़ेगा। देखो क्या लॉजिक है, जैसे मैं बोला कि डिफ्रेंशिएशन करना है आपका, ठीक है ना, ln x की जगह मैं ले लूँ क्या 2x ले लूँ, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर ये तो 2x हो गया, x का मल्टीप्लाई हो गया, तो सर ने मैं पढ़ाया मैंने और मैंने वो लेक्चर देखा है, ठीक है ना। अभी तो तुम लोग क्या होगा कि आप क्या करो कि ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है लॉजिक पे, कि अगर ln x था तो डिफ्रेंशिएशन किया आपने तो 1 अपॉन में जो भी ln के साथ लगा था उसे डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन में क्या करो 2x को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इतना हो गया। अच्छा ये तब था जब x होता, लेकिन ये तो कुछ अलग हुआ 2x, तो अब क्या करना है, ये दिमाग रख लो, आपको लास्ट तक डिफ्रेंशिएशन करता ही जाना है। तो अब क्या करोगे, इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। या तो एक तरीका ये है, या तो एक तरीका ये होगा कि कोई भी फंक्शन है एफ इक्वल टू एक्स प्लस बी का, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो एफ डैश एक्स प्लस बी अपॉन में क्या इंटू में क्या ए, मतलब ये जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूंगा कि ये वाला याद रखो, अब देखो क्यों फायदा क्या होने वाला है। अगर मैं बोलूं लाइक ऐसे कि ln x स्क्वायर प्लस 2, आप बता दो हमें x स्क्वायर प्लस 2, तो आपने क्या करना है डिफ्रेंशिएशन इसका, ln x स्क्वायर प्लस 2 है तो ln के साथ जो भी लगा हुआ है क्या लगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला तब है जब क्या होता, जब x होता, लेकिन ये तो है नहीं, यहाँ पे x जगह x स्क्वायर प्लस 2 है, तो उसका बस यही लॉजिक है कि उसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर पर 2x हो गया, 2 का क्या होगा आपका 0 हो गया, ठीक है। अगर मान लो फिर से मैं दे दूं कि यहाँ पे ln sin x दे दूं मैं, तो क्या होगा, स्पेस नहीं है खुद समझ लेना, या ऊपर ले देता हूँ, ln sin x है मल्टीपल, यहाँ पे ln के साथ x के साथ क्या लगेगा sin x, उसे उल्टा करो, इसको समझना है आपको, ऐसे याद नहीं रखना ln x = 1 / x, वो अलग हो गया, उस अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप जब ऐसे याद रखोगे, लॉजिक मैं बता रहा हूँ, लॉजिक याद करने से क्या फायदा, किस तरह से याद करें कि अगर डिफ्रेंशिएशन है ln x तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करना है डिवाइड में डाल देना है या 1 अपन में, तो ये क्या होगा sin x है, तो 1 अपन क्या हो जाएगा sin x, ठीक है, 1 अपन sin x, फिर sin x का क्या करोगे आप लोग डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा cos x, ये हो गया। अब देखो, अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, इसको मैं जनरलाइज ऐसे कर सकता बच्चों, जनरलाइज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2x है, x स्क्वायर प्लस 2 है, sin x है, तो तुम लोग बोलोगे सर कि इसका जो है आप 1 अपॉन x करने के बाद फिर से सर आप डिफ्रेंशिएशन किए हो, फिर से सर डिफ्रेंशिएशन किए हो, तो क्यों ना एक नया फॉर्मेट बनाते हैं कि भाई साहब कि ln के अंदर कोई फंक्शन डाल दो fx, हो चाहे कुछ भी हो, फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है वो, चाहे एलजेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, तो हम लोग क्या करेंगे इसका कि fx तो पहले तो उल्टा करेंगे कि 1 अपॉन fx, इतना करने के बाद इस fx को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे f * max, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया है, मतलब फिर से आपको करना है और ये हर जगह लग सकता है फॉर्मूला के लिए, या उसी को ऐसे ही इसी को याद कर सकते हो फिर से कि x का 1 अपॉन x और फिर x का डिफ्रेंशिएशन वो हो गया 1, बात तो ही हो गई, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ln x = 1 अपॉन x के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि x की जगह कुछ भी फंक्शन हो तो वो तो करना ही है 1 अपॉन fx और फिर से उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये पूरी लॉग की खत्म हो गई, आप कुछ भी ले सकते हो, ln x sin x ले सकते हो या ln x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना, छोड़ना मत बस यहीं तक। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे ln x स्क्वायर प्लस 2 है और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, नहीं ये कहाँ गया, ये किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर से डिफ्रेंशिएशन का, ये लॉगरिथमिक काम खत्म, ठीक है, लॉग की काम खत्म। अब आ जाते बच्चों, ये हो गया खत्म कहानी इसकी, एक्सपोनेंशियल पाया था, तुम्हें पता है, तुमने ये सीखा होगा कि e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन dx वो क्या होगा e के पावर x, कैसे याद रखना है, याद करना है ये है, ऐसे याद रखना है कि अगर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही हो रहने वाला है, वो कब, जब x और हो वहाँ पे। अब उसी लॉग के बेसिस पे अपन निकाल देते हैं फिर से कि अगर d अपन dx निकालना हो और e की जगह x ना हो, कुछ और कुछ भी हो सकता है, लाइक fx मैंने मान लिया, एनालाइज कर लिया,
तो आपको e की पावर, अब इसका क्या होगा बताओ, e की पावर एफ एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, वही सेम, अगर e की पावर x है तो e की पावर x, तो e की पावर एफ एक्स है तो e की पावर एफ एक्स, लेकिन फिर से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और मल्टीप्लाई करने एफ डैश इंटू मैक्स, ठीक है ना, यानी कि x के साथ कुछ भी अलग हटके आ रहा है, कुछ भी x के साथ, और वो हटके आएगा, वो तो x से तो नहीं आएगा ना, तो फिर से अपना डिफरेंशिएशन कर देना। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इस पे कुछ भी बनाते, ये अपने आप बनाओ, जो जो तुम्हें लेना ले सकते हो, e की पावर 2x ले लो, तो ये क्या होगा, e की पावर इसका डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर 2x का, तो क्या करो सीधे उसी को लिखो, वही वही लिखो, फिर क्या करो कि जो एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, जो पावर है उसका क्या करो फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2x क्या हो गया, 2 हो गया। चलो और ले लूँ क्या, बोलो कुछ और ले लूँ क्या, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ले लूँ, कोई दिक्कत, e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलोगे, कैसे करोगे सर, डिफरेंशिएशन वो होता है कि डायरेक्ट उसको तो पहले उतारो आप, ये क्या है, e के पावर एफ एक्स, एफ एक्स अब ये है, तो वही लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, अब इतना तो हो गया, लेकिन मैंने बोला था कि x के साथ कुछ भी हटके हो तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, इनटू में करना है, डिवाइड में नहीं, इनटू में, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का क्या होगा 2 हो गया, और 6 का क्या होगा 0 होगा, 6 का 0 क्यों होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और सर ने बताया था कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये बात होगी इसकी। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर कुछ और दे दूँ, यहां पे मैं कुछ और दे दूं, लाइक e के पावर 10x, तो e के पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब d अपॉन dx इसका, ऐसे रहेगा पूछे हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे सर कि पहले तो आपका जो भी e के पावर x का या e के पावर fx का क्या होता है, पहले सीधे क्या करो उतार दो e के पावर 10x, मतलब वही हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा 10x का तो होगा लास्ट तक करना है, लास्ट तक, जैसे मान लो इसी फॉर्मूले को बोलो कि इसको देखो कैसे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप ऐसे याद कर लो, याद मत करो कि इसको उतारो यही को, और फिर जो पावर है ना उसको फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो 1, तो क्या होगा एक बार एक्स, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रखना है ना, कि ऐसे याद रखना है कि एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स एक बार एक्स इक्वल टू एक बार एक्स, फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये बहुत मैटर करता है, आप कोई चीज़ फॉर्मूला है तो आप कैसे इसको समझ रहे हो, तो आप ऐसे समझना या ऐसे समझना, बात एक ही है, अब वही बात कि इसे उतार दिए एक बार 10x हो गया इनटू में क्या 10x का डिफरेंशिएशन, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये बात इसकी हो गई, हर तरह का वेरिएशन हमने देख लिया, या इसी को हम लोग क्या सीखते हैं, इसी को सिखाया जाता है कि अगर एक्स टू एक पार टू एक्स है और ये एक्स का कोफिशिएंट है तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा उसका जो वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, बात एक ही है, एक लॉजिक याद करो सारा काम हो गया, इसकी बात हो गई। अब ज्योमेट्री पे एक्सपोनेंशियल हो गए बच्चों, चलो ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं पहले क्या क्या याद रखना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, पता है तुम्हें, कॉस एक्स, जब मैं डिफरेंशिएशन बोलूँ तो यहाँ पे लगा लेना डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, होता है क्या माइनस लगता है, ध्यान रखना, देखो फॉर्मूले में तुम्हें कुछ सिखाने वाला है कैसे याद रखना है तुम्हें, टेन एक्स का बच्चों बता लूँ बहुत लोगों को याद नहीं हो रहा है, मैं बताऊँगा कैसे याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन क्वाट, क्वाट का क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू में एक्स, और ये होता है आपका टेन क्वाट सेक एक्स, सेक्स इसको होता है टेन एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो भी ले सकते हो, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और साइन कॉस टेन क्वाट सेक कोसेक, और कोसेक का होता है बच्चों कोसेक इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। चलो ये छह फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया, कैसे याद रखना है सबको याद रहता है, साइन एक्स का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, इतना याद रहता है। इसके बाद लोग कन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, देखो टेन एक्स का सेक स्क्वायर है, कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप देखो एक फॉर्मेट देख लो, और यहाँ पे सेक एक्स का है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और कॉस एक्स का है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या क्या ट्रिक इसमें सीखना है, ट्रिक ये सीखना है कि बहुत बार जब हम लोग खुद पढ़ते थे तो हम लोग कन्फ्यूजन होता कि माइनस का साइन कहाँ पर आएगा, देखो एक चीज़ देखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये देख रहे हो क्या यार, जहाँ पे सी है सी है सी है उसके साथ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और तो अब याद रख लेना कि जब भी कन्फ्यूजन हो तो देखना कि क्या भाई कॉस सी आ रहा है क्या, सी वाला फॉर्मेट है क्या, तो आप माइनस लगा देना, एक चीज़ तो ये हो गया,
ये तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो भूलने लगते हैं, हम लोग काफ़ी भूलते थे कि यार किसके साथ माइनस आना है, ठीक है ना। अब ये बात है, एक चीज़ हमने ये सीखा, दूसरी चीज़ ये सीखना है कैसे फॉर्मूले याद रखना है। तो टेन एक्स कॉट एक्स में देख रहे हो कि जो फॉर्मूले के फॉर्मेट में स्क्वायर का फॉर्मूले रखा है, और सेक एक्स और कोसेक एक्स में क्या है, फॉर्मूले का फॉर्मेट है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, टेन एक्स इंटू सेक एक्स और माइनस कोसेक इंटू कोसेक्स, ये तो तुम्हें याद रहने वाला है, साइन एक्स का कॉस, कॉस का रहने वाला माइनस साइन एक्स, दो याद है, इसको याद रख लो। इसको याद रखना कैसे, तुमने याद पढ़ रखा होगा कि वन प्लस मैथ में टेंथ में कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्व टू सेक स्क्वायर इंटू में एक्स हो गया, यानी कि टेन और सेक की जब भी बात साथ साथ में आएगी तो स्क्वायर के फॉर्म में आने वाले लोग, ये दोनों किसके फॉर्म में आएंगे, स्क्वायर फॉर्म में। बेसिकली टेन के साथ देखो कि टेन की जब भी बात आएगी तो वो किसके फॉर्म में आएंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। ये हिंट दे रहा है याद करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे याद रखो, टेन के साथ क्या रिलेशन सेक में होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह होता है क्या, वन प्लस कॉट एक्स स्क्वायर जैसे ही होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्व टू कॉसेक स्क्वायर इंटू में एक्स। यहां पर भी क्या है, कॉट और कॉस में कैसे रिलेशन है आपका, क्या है स्क्वायर का रिलेशन है। तो कॉट एक्स का जब भी पूछे मान लो तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कॉट एक्स का क्या हो रहा है, तो तुम यहाँ पर देखो, अच्छा वो वाला हिंट में हम हाँ कि हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में वन प्लस कॉट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, क्योंकि ये सब क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में है सब। तो ये बात होगी, हिंट करने का तरीका हो गया। तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स भूल लो कभी, तो अच्छा हाँ यार वन प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स इक्व टू सेक स्क्वायर, ठीक इसका सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, या ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा एक और लॉजिक देखो कैसे, तुम्हें याद रखना कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्व टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे भूल लो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लिख के कर सकते भूल गए तो, वन प्लस कॉट एक्स स्क्वायर इक्व टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा कॉट का पूछें क्या, हाँ कॉट इसे हटा पाओ, यहाँ कटा दो, इधर के इधर को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को सेम रखो, ठीक है ना। तो टेन एक्स की बात होगी, कॉट एक्स की बात होगी, ये शुरुआत के लिए कन्फ्यूजन होता है तो याद हो गया। अब आज sec x और tan x की बात हो गई, तो इन्हें याद रख लेना कि जो sec x है और cos x है इसका जो फॉर्मेट चलता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चलता है। तो tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x होता है, या ये या cos x इंटू माइनस cot x होता है, इतनी बात हो गई। अब देखो बच्चों, यहीं पे इंटीग्रेशन की मैं बात करने वाला हूँ। सर ने लेक्चर ले रखा है आपका मैथ वाले सर ने कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है ना। और ये चीज़ का मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है ना, मीनिंग समझना जरूरी है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है बच्चों, जैसे मान लो कि ये मैंने कोई रॉड ले लिया और जिसकी लेंथ एल है, ये मीनिंग समझा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन का देखो एक तो मीनिंग ये समझना है कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एक मीनिंग ये होता है कि सपोज कर लो कि एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ एल है, तो वो क्या है कि अगर मान लो कि एक छोटा सा मैं पार्ट ले लूँ डीएल, छोटा सा एलिमेंट पार्ट लिया, छोटा सा डीएल, तो अगर मैं इनको जोड़ूं ऐसे बहुत सारे छोटे पार्ट को, तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरी लेंथ मिल जाएगी, पूरी क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों समेशन, मतलब आप छोटे छोटे चीज को जब ऐड कर दोगे तो आपको पूरी चीज मिल जाएगी। ये लाइन किससे मिलकर बनी होगी, बहुत छोटे छोटे चीज से ना। तो ये भी याद रखना है कि आपके जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन या एडिशन, एक छोटा सा पार्ट ले, जैसे मान लो कि ये क्या आपका रिंग है, तो रिंग किसके बना होगा, एक छोटा सा हम लोग पार्ट लेंगे और छोटे से पार्ट से सबसे करके मिला होगा। अब इसको तुम देखना, हम लोग बहुत सारे फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे तो स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाओ कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। अगर किसी ने बोला कि उल्टा चलना है, उल्टा ये टेन एक्स था तो सेक स्क्वायर है, अगर बोले कोई सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का नहीं होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो माइनस के यहाँ लगा दो माइनस कोट एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उल्टा चलना है। देखो मैं इधर से इधर गया तो मैं इधर से इधर फॉर्मूला कर रहा हूँ, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन या टेन एक्स इंटू sec x का इंटीग्रेशन sec x, माइनस cosec इंटू cos, ये माइनस नहीं आता है, ऐसे पूछेगा cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस इधर लगा दो माइनस cosec x। यानी कि अगर आप लॉजिक के साथ याद रख रहे हो तो फॉर्मूला तो फटाक से याद होने वाला है, और साथ साथ इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आपका याद होने वाला है, तो कोई मेहनत वाली बात नहीं रही। तो आपको लॉजिक के साथ क्या करना है, आपको याद रखना है आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तो इसमें तो बना ही लोगे तुम लोग, इसमें तो बना लोगे ना। जैसे अगर मैं तुम लोग से पूछूं, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया बच्चों आपका कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर मैं बोलूं कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की जगह मैं ले लूं टू एक्स प्लस टू, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो साइन का क्या हो जाएगा, इसका साइन टू एक्स प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स प्लस टू, और अंदर का भी क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका टू एक्स का क्या हो गया टू, और टू का क्या होगा आपका
टू एक्स का टू हो गया, ये टू का जीरो हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे मल्टीप्लाई करो टू इंटू कॉस एक्स, टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस टू। तो ये बच्चों हो गया सीधे इसकी फॉर्मेट की बात होगी, किसकी होगी बात, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये बच्चों सारे जो चीज़ें हैं आपकी हो गई आपकी। एक और दो, एक दो कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं हम लोग, एक और दो कॉन्सेप्ट उसे देख लेते हैं। पहले देख लो टाइम कितना हो रहा है बच्चों, टाइम देख लो मैं कितना हो रहा है, 40 मिनट हो गए बच्चों, ठीक है ना, 40 मिनट मात्र हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक घंटे के अंदर जो है आपकी सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाएगी। देखो बच्चों एक और ये कॉन्सेप्ट नंबर वन था, अभी समझ लो ये कॉन्सेप्ट टू ले, अभी तक जितना पढ़े थे सारे फॉर्मूले के फॉर्म में थे। कॉन्सेप्ट टू देखो क्या होता है, कभी कभी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है। जैसे मैं बोलूं कि दो फंक्शन एफ एफ वन एक्स इंटू में क्या एफ टू एक्स, इनका आपका डिफरेंशिएशन करना डी अपॉन डी एक्स। अब फंक्शन में कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मैं मान लो कि ले लूं डी अपॉन डी एक्स और एफ वन एक्स जगह ले लूँ, मैंने मान लो एक्स ले लूँ और एफ टू एक्स जगह ले लूँ क्या साइन एक्स, फंक्शन मतलब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। देखो एफ एक्स फंक्शन मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, लाइक अलजेब्रिक हो जाए, एक्स हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक एफ वाला फंक्शन हो जाए, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, लॉगरिथमिक हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि किसी को क्या करो, पहले को किसी एक को डिफ्रेंशिएशन कर लो। मान लो कि मैंने कर लिया f1 को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मैं अब f1 पर डिफ्रेंशिएशन को मैं लिखूंगा f1 डैश लिखूंगा इंटू में x, f1 डैश x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जो दूसरा बचे उसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इंटू में f2 x, प्लस क्या करना है इसका सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन है f2 डैश इंटू में x, f2 डैश x इंटू में क्या f1 x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू में क्या फर्स्ट टर्म, या कुछ भी बोल सकते हो, पहले इसी को डिफरेंशिएट कर दो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ये मेरा फर्स्ट है, हमेशा लिख लिया करो फर्स्ट टर्म, ओके सर। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया वन इंटू में क्या, जो पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड को ऐसे उतार दो उसको वहीं यूं का यूं पुट कर दो साइन एक्स, प्लस में क्या होगा अब फर्स्ट का कर दिया प्लस अरे सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का क्या होगा आपका कॉस एक्स हो गया, और जो इसका कर लिया जो फर्स्ट वाला बच रहा है उसे क्या कर दो ऐसे ही उतार दो हो गया। या मान लो कि मैं कुछ और ले लूँ, सपोज कर लो कि मैं ले लूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में क्या ई टू द पावर एक्स, अगर मैं इसका कोई बोले मेरे को डी बाई डी एक्स निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे पहले ये फर्स्ट हो गया मेरा क्या होगा सेकेंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में क्या यू सेकंड टर्म को क्या करो ऐसे उतार दो इनटू में उतार दो, प्लस में क्या होगा सेकंड का डिफरेंशिएशन एक बार एक्स का, तो क्या करो एक बार एक्स सेकंड का हो गया, तो फर्स्ट को ऐसे क्या करो यू ही उतार दो एक्स स्क्वायर, ये हो गई बात, ठीक है। तो ये रहा बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर टू आपका रहा, कि किसी भी ऐसे याद रखना कॉन्सेप्ट टू का, कॉन्सेप्ट टू को आपको ऐसे याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू, अच्छा उसी को सर ने बताया चैन रूल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तब आपको कैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने चीज़ों को याद रख लिया, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट के थ्री के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट थ्री अगर वो क्या है डिवाइड के फॉर्म में, दो फंक्शन क्या हो डिवाइड के फॉर्म में, जैसे मान लो कि दो फंक्शन लिया, एक ले लिया मैंने एफ वन एक्स अपॉन में क्या एफ टू एक्स, और इसका मैं क्या करना है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के, तो हम लोग क्या करेंगे देखो हम लोग करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ वन डैश एफ वन डैश एक्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ डैश का मतलब क्या हुआ डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू में क्या एफ टू एक्स, मतलब सीधे क्या करो उसे यूं ही उतार दो, मैंने एफ टू एक्स को डायरेक्ट उतार दिया कॉपी कर दो, इसके बाद क्या रहने वाला है माइनस में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर नहीं सॉरी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में हम लोग कैसे लिखते हैं डैश के फॉर्म में, तो एफ टू डैश एक्स इनटू में क्या न्यूमरेटर, सीधे मतलब क्या करो न्यूमरेटर को क्या करो आप ऐसे उतार दो,
f1x। डिवाइड में क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है f2x, क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या क्या करूँ, ऐसे स्क्वायर कर दो f2x का स्क्वायर, इसका f2x को क्या करना है, सीधे स्क्वायर कर देना। इसका इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन इनटू में दिस टर्म सीधे कॉपी करूं, माइनस वहां पे होगा इसका डिफरेंशिएशन इनटू में दिस टर्म अपॉन में इसका स्क्वायर। जैसे मैं ले लूं लाइक मान लो कि x अपॉन में साइन x है, इसका मैं क्या करना है डिफरेंशिएशन है, तो कैसे जब भी क्लिक करेगा इसका मतलब ये हुआ डिवाइड के फॉर्म में। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन हो गया, इनटू में क्या नीचे, इसको सीधे क्या करेंगे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सीधे कॉपी कर देंगे। देखो ना एफ टू एक्स यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी लिख दिया मैंने, तो कुछ करना नहीं है, इसको डिनोमिनेटर करोगे तो इसे कॉपी करना है, सॉरी इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसे कॉपी कर दो, तो वन इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में, फिर इसको माइनस लगा के इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये डिफरेंस साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसे कॉपी कर दो, तो यहाँ पे इंटू में एक्स अपॉन में क्या साइन एक्स जो नीचे है उसका क्या करना है आपको सीधे स्क्वायर कर देना है साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा बच्चों आपका क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मान लो लाइक कि मान लो कि एफ वन एक्स की जगह मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ली इके पार एक्स, और एफ टू एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया एल एन एक्स ले लिया, तो जो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, वो देखो सिंपल चीज है, इसका क्या डिफरेंशिएशन इके पार एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसे कॉपी कर दो, तो एल एन एक्स हो गया माइनस में, उसका होने के बाद ये इसका डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स, अगर इसका हो गया तो इनटू में क्या इसे कॉपी कर दो इनटू में एक बार एक्स अपॉन में क्या एल एन एक्स का होल स्क्वायर, तो एल एन एक्स का क्या हो जाएगा सीधे स्क्वायर हो गया। तो ये बात हुई किसकी, इसकी डिफरेंशिएशन हो गया मेरा। तो यही बच्चों तीन कॉन्सेप्ट हैं, और फॉर्मूले का टाइप दिखा दिया कि एक्सपोनेंशियल हो लॉगरिथमिक हो ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारे फॉर्मूले हो गए। बस और सर ने आपको मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा दिया, वो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। मैक्सिमम मिनिमा होता है जैसे मान लो कि तुम्हारा क्या है, ऐसे देख लो ये क्या है, ऐसे देख लो देख, मान लो कि ये ऐसे कुछ पहाड़ है या कुछ भी किसी भी शेप में मान लो, तो मैं रियल लाइफ का फील देने के लिए, तो मैक्सिमा इसका कहाँ है, मैक्सिमा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, वो पहाड़ की ऊंचाई मैक्सिमम क्या है वो है, और पहाड़ के सबसे ये पहाड़ बोल गया नीचे जो भी बोल लो सबसे लोवेस्ट क्या ये है, तो ये इसे बोलते हैं हम लोग क्या मैक्सिमा बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मिनिमा। बोलो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं तो पता है मैक्सिमम मिनिमा ये दिख रहा है हमें। अब देखो क्या होता है मैथ के फॉर्म में, मैथ के फॉर्म में क्या एक कर्व है, तो कर्व है तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। अब मान लो कि वो एक्स के फॉर्म में वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मैं लाइक मैं ले लूँ कि वाई इक्वल्स टू इसका फॉर्म एक्स का पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस क्या थ्री, ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन एफ एक्स का फंक्शन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कुछ भी इक्वेशन हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। जो भी कर्व होता है ना तो उसमें ऐसे कुछ टर्म आते रहते हैं स्क्वायर या क्यूब, देख लो आपका पैराबोला होता है क्या होता है कर्व स्क्वायर, तो जब भी एक्स रहेगा एक पावर रहेगा तो लाइन होगी, और जैसे ही कर्व होगा तो उसका पावर एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ये रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो है ऐसे आपको दिया तो नहीं जाएगा ना फिगर में, आपको इक्वेशन के बेसिस पे पता करना था कि ये कहाँ पे मैक्सिमा आएगा कहाँ मिनिमा आएगा, तो सर ने बताया होगा कि तुम पहले क्या करना डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना जीरो करना, तो वहां से एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, और फिर करना डी टू वाई अपन डी वाई इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना, इसका फिर से करना पड़ेगा, तो डी टू वाई अपन क्या होगा डी एक्स स्क्वायर होगा, और जहाँ पे मैक्सिमा आएगा वहाँ पे क्या होगा निगेटिव आ जाएगा ये वैल्यू, ऐसे कुछ होता है यही होता है शायद निगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स पे क्या है आपकी मैक्सिमा है। सर ने आप काफ़ी इसको डिस्कशन किया है तो मैं क्या करने वाला हूँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, तो ये मेरी तरफ से रहा आपका सारी कहानी, ठीक है बस बच्चों यहीं तक, और कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है।
49 50 मिनट का वीडियो है, आई थिंक आप लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा इजनफ। ओके, थैंक यू।